क्रियाकलाप 9 नीला लाल लिटमस पत्र तथा सार्वत्रिक सूचक की सहायता से सारणी 3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कर होने वाले रंग परिवर्तन के आधार पर विलयन की प्रकृति तथा पीएच मान नोट कीजिए। आप जानते हैं कि पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा कि क्षारीय पदार्थों के भी पीएच मान प्राप्त हुए हैं। किसी क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या तात्पर्य है, आइए इसे समझें। शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है, जिसके फलस्वरूप H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। H2O इज इक्वल टू H+ आयन प्लस OH- आयन। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH- आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H+ आयन उपस्थित रहते हैं। H+ तथा OH- आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है, तब उस विलयन में OH- आयनों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत विलयन में OH- आयनों की संख्या अधिक होने पर H+ आयनों की संख्या कम होती है। pH H+ और OH- आयन के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है। इसे सारणी 4 में दर्शाया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन से समान मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। इस प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है।